पहले तो बोलते हैं भाइयों हम आधे दाम में डीजल हो जाएंगे तो कैसा लगेगा, आधे दाम में पेट्रोल हो जाएंगे तो कैसा लगेगा, लेकिन आधे तो नहीं हुए हैं। किशनगंज में एयरपोर्ट होता नहीं है, ये लोग कुछ भी बोल जा सकते हैं, इनके ये लोग तो यही बात जुबान चलाते हैं, खाली गलत बोलने का उनकी बात है। लालू प्रसाद यादव जी जन जन के नेता हैं, की धरती पर जब उन्होंने आगाज किया तो वह संपूर्ण क्रांति हुआ था। जो जुबान थे, जिनकी जुबान बंद कर दी जाती थी, जिनको अधिकार से रोका जाता था, जिनको कुर्सी नहीं मिलता था, उन तमाम लोगों को मान और सम्मान अगर मिला है तो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में मिला है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नुकसान उनको जरूर होना तय हो गया है, चूंकि वह 2014 और 19 के चुनाव में जिस तरीके से पताही हवाई अड्डा से उन्होंने वैशाली और मुजफ्फरपुर के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने वादा किया था कि शीघ्र ही पताही हवाई अड्डा से यहां से जहाज उड़ान करने का काम करेंगे, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि न जाने वह जुमलेबाजी करने के लिए वह मैदान को रखे हुए हैं, वो अपना जनसभा करने के लिए रखे हुए हैं कि वह जो है सो वहाँ से उड़ान भी भरवाने का काम करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं, निश्चित तौर पर जो है उस दिन के सभा में वह घोषणा करने का काम करेंगे कि चुनाव से पहले पताही हवाई अड्डा शीघ्र चालू होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जब विधायक था उस समय भी एक प्रतिनिधि के तौर पर कांटी के सम्मानित जनता के आशीर्वाद जो दिया गया था उसको हम अपना जाकर के केंद्रीय विमानन मंत्री से भी मिलने का काम किए थे, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराने का काम किए थे, लेकिन यह मामला जो है नगर विमानन का है, केंद्र का मामला है, तो निश्चित तौर पर जो है सो बोल बोल करके और वादा खिलाफी जुमलाबाजी किया जा रहा है। न जाने पिछले बार तो इन्होंने 15-15 लाख का भी वादा किया था कि और गरीबी की महंगाई का भी वादा किया था, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, कुछ नहीं किए, अब कौन नया जुमलेबाजी करके जाएंगे, यह दिग्भ्रमित है यहाँ के लोग। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ के लोग इस बार जो है सच्चाई उनको मैदान में पूछने का काम करेगी, उनको उल्टा जवाब देने का काम करेगी। मुद्दा ही मुद्दा है, क्या उन्होंने 2 करोड़ लोग बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है क्या? क्या क्या उन्होंने जो प्रति साल क्या उन्होंने जो है किसी गरीब के महंगाई कम किया है क्या? आज जितने भी महंगाई है 4 गुना जो है कफन से लेकर दवा तक सबकी महंगाई बढ़ने का, पहले तो बोलते हैं भाइयों हम आधे दाम में डीजल हो जाएंगे तो कैसा लगेगा, आधे दाम में पेट्रोल हो जाएंगे तो कैसा लगेगा, लेकिन आधे तो नहीं हुए हैं लेकिन 4 गुना 2 गुना जरूर हो गए हैं। और गैस सिलेंडर का क्या स्थिति है, 450 का गैस सिलेंडर में राज्यसभा सांसद आते कहे हैं कि 60 करोड़ रुपया प्रारंभिक बाउंड्री के लिए बिहार सरकार को मुहैया कराई गई, लेकिन बिहार सरकार जमीन मुहैया नहीं कराई, जिस कारण ये लोग जुमलेबाज लोग हैं, ये लोग तो एम्स बनता नहीं है, दरभंगा में एम्स बना देते हैं, किशनगंज में एयरपोर्ट होता नहीं है, ये लोग कुछ भी बोल जा सकते हैं, इनके ये लोग तो यही बात जुबान चलाते हैं, खाली गलत बोलने का नहीं, उनको साक्ष्य देना चाहिए, साक्ष्य देना चाहिए। यहाँ बिहार की जनता कभी न किसी तरह का कोई नहीं देखा इनसे जमीन मांगा गया है, वह जमीन दे बिहार सरकार जमीन उपलब्ध नहीं कराएगी तब कोई बात, झूठी बातें मत बोले, लोगों को भ्रम में नहीं डाले, आपका भ्रम लोग समझ चुका है, 10वां साल में आप प्रवेश कर चुके हैं, एक बार ठगाती है, एक बार दूसरे बार विश्वास करती है, बार बार काट के हड्डी जो है नहीं चढ़ने का काम करती है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से महागठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बेरोजगारों को रोजगार दिया है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के चुनाव में बेरोजगार नौजवानों से वादा किया था कि हम रोजगार देने का काम करेंगे, तो 1,20,000 रोजगार कल हम लोग नियुक्ति पत्र बांट के आए हैं, सिपाही भर्ती हुई है और भी भर्ती होने जा रहा है, मेरा जो लक्ष्य है 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार नौकरी देना और 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना, आने वाले 25 से पहले यह लक्ष्य को पूरा करने के सरकार करेगी, कोई फर्क नहीं है, जनता बिहार की जनता
महागठबंधन सरकार के पक्ष में है। बेरोजगार, नौजवान, छात्र, किसान, सब लोगों को स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, शिक्षा में सुधार हो रहा है, लोगों को अमन और शांति चाहिए, लोगों को विकास चाहिए। लोग को जुमलेबाजी से इन लोगों को सिर्फ नकारात्मक समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं। सांसद आए थे, बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को मुख्य अतिथि नहीं मिलता था, लालू यादव को मुख्य अतिथि बना देते हैं, इस बयान को लेकर कैसे क्या कहेंगे? देखिए, उनकी बात है। लालू प्रसाद यादव जी जन जन के नेता है, गरीबों की आवाज है, बेजुबानों को जुबान देने का काम किया। लोग जो है सो हिम्मत नहीं करते थे, राजनीति की बात नहीं करते थे। लालू प्रसाद यादव भी जब 90 के दशक में बिहार की धरती पर जब उन्होंने आगाज किया तो वह संपूर्ण क्रांति हुआ था। जो जुबान थे, जिनकी जुबान बंद कर दी जाती थी, जिनको अधिकार से रोका जाता था, जिनको कुर्सी नहीं मिलता था, उन तमाम लोगों को मान और सम्मान अगर मिला है तो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में मिला है। यह देश जानता है, वह देश के नेता हैं।